ग्रह अग्नि में झोंक देती है। याद करो सुंदर साहब जी, विक्रम संवत 1751 की साल श्रावण वर्षी तृतीया धाम घनी निज दरबार बंगला जी में विराजमान और उन्होंने उन्होंने सहज ही बोल दिया, अब हम धाम चलत है तुमहु जो सवे होशिया। याद करो सुंदर साक्षी, जब पिया श्री प्राणनाथ जी जागनी के समय में दिल्ली से अनूप शहर तरफ जा रहे थे, कोठी ऊपर बैठ करके बीच में उनका पेट खराब हुआ और इतनी तबीयत बिगड़ी कि मानिक भाई रोने लगे, एकदम विवल हो गए। सुंदर साहब जो साथ में थे तो दुखी हो गए। तब धाम धनी ने उस समय इशारा किया था, अभी हमारी श्रद्धा अपने निज घर परम धाम में नहीं लगी है, हमारी श्रद्धा जब धाम में लगेगी हम तुम्हें आगाह करेंगे, हम पहले से बताएंगे। धाम दुल्हा विक्रम संवत 1751 की साल में शाकुंडल सखी छत्रसाल जी के गृह मंदिर में निज दरबार बंगला जी में विराजमान, उस समय महाराजा छत्रसाल जी हाजिर नहीं है, वो मऊ में है। और यहाँ धाम धनी ने सुंदर साहब से बोल दिया कि अब हम रहे हो ना जाब ही मूल मिलावे भिन्ने हृदय चढ़ चढ़ आवही संसार लगत अब। अब इस माया संसार ये जालिम जगत में हमें अब कहीं भी अच्छा नहीं लगता है, हमारे काम सकल पूर्ण हुए, अब हम अपने निज घर की तरफ सुरता लगा रहे हैं। सुंदर साहब जी शब्दों को समझना, अपनी सुरता को निज घर परम धाम की तरफ में लगा रहे हैं। ये शब्द सुनते ही छोटे बालक बच्चों से लेकर जवान से लेके बूढ़े तक सब एकदम स्तब्ध रह गए, हक्का बक्का रह गए, उनकी सांस अटक गई, घबरा गए, क्या किया जाए। सब दौड़ दौड़ करके धनी के चरणों में बंगला जी में आके हाजिर हो गए। यो ठोर ठोर रंग फैलिया हुआ महम्मदी दो पर से पर्दे से साथ पसरियो हतो चित सम में पड़ियो सो, सब जगह पर सुर फैल गया। आप जहां जैसे भी है पानी पीना भी हराम, सभा के धनी के चरण में बैठ गए। धाम धनी ने अपना ध्यान लगाया, अपनी श्रद्धा लगाई और वो है बोले नहीं साथ जी इस तरह से। तो फिर पूरी बीत गई, शाम भी बीत रही है, सब सुंदर साथ के बच्चे बालक सब भूखे हैं, किसी ने कुछ खाया नहीं, पानी तक नहीं पिया। सुंदर साहब जी ऐसी दशा में धाम धनी का सहारा लेकर के घर में लोग जाकर के जो भी जल्दी बन सका बच्चों के लिए उन्होंने साधन जुटाया, व्यवस्था बनाई। धाम धनी के लिए सुंदर साहब भोग लेकर के आए। आज ये परंपरा श्री पद्मावती विधान पन्ना जी में ये परंपरा बराबर 350 वर्ष की है। सब सुंदर साथ अभी थोड़ी देर में अपने अपने घरों से पान का बीरा लेकर के आएंगे, धनी को अरवाएंगे। सुंदर साथ जी ऐसे समय में गला भराता है, बोलने की बिल्कुल ताकत नहीं होती है। आज हमारे धनी को पीठ पर देखे हुए इतना समय बीत गया, जब भी ये घड़ी जब भी ये साइड जब भी ये समय आता है हम सब सुंदर साथ जी इतने दुखी हो जाते हैं और फिर वाणी का सहारा लेकर
उनके ही श्री चरणों में बैठ करके जागनी राज के मूल मिलावा निर्मंदिर में इन दहरी की सचुम सिद्धार सिद्धार मेहरबान दिल पाक इन चरणों में बैठ करके हम दरी का सहारा ले करके बाणी गाते हैं, दरी को याद करते हैं। महाराजा छत्रसाल जी तो नहीं थे उस समय पर, सावन का महीना जोरदार बरसात सुंदर साथ दो सुंदर शाम को मऊ भेड़ा गया, आज भेड़ा गया। जब उनको समाचार मिलेगा महाराजा छत्रसाल जी कल पधारेंगे तब बंगला जी के अंदर में उनकी बातें आपको कल बताई जाएंगी। आज हम सब ने धनी का ग्रह गा करके याद करके अपने आप को उसमें शामिल किया है। आज देखिए आप हमारे पन्ना धाम के सभी नौजवान हमारे बड़े बड़े लोग हमारे श्रेष्ठ लोग सब लोग यहाँ पर जमा हैं और दूर दूर से सुंदर साथ यहाँ पर आए हुए हैं। ये शायद ऐसा समय है इसको दर्शन करने के लिए धनी की लीला को देखने के लिए आए जी। आज श्री राज्य महाराज जी पूरी रात बंगला जी में रहेंगे, प्रातः काल जब वो है अपनी सुरता को लगाएंगे फरिश्ता धाम से आएगा और वो पूछ करेंगे, लेकिन पूरा दिन कल बंगला जी में रहने वाले हैं। याद रखना महाराजा छत्रसाल जी आएंगे पन्ना धाम के अंदर में, आज भी सुनाते हैं कल भी सुनना, पन्ना धाम में कभी भी धाम गमन की आरती नहीं होती, कभी भी धाम गमन की, क्योंकि धनी धाम गए ही नहीं है। धाम धनी साक्षात जागनी राज के कुल मिला में बैठे हैं, अन्यत्र हर जगह पर सुबह के समय में सब लोग धाम गमन की आरती करते हैं, लेकिन पन्ना धाम में कभी भी धाम गमन की आरती नहीं होती है। संध्या के समय 4:30 बजे धाम धनी की अखंड वाणी ये कुल्यम वाणी ये तारतम वाणी जब सिंहासन पर पधराई जाती है तो वाणी की आरती होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वाणी की आरती होती है, सिंहासन पर सुशोभित किया जाता है, हमारे धाम धनी की नित्य प्रति की शोभा रोज होती है। मंगल आरती वैसी होगी, श्रृंगार आरती वैसी होगी, सभी आरती होगी, लेकिन धाम में उनकी आरती कभी नहीं होती, ऐसा कभी सोचना भी नहीं। धाम धनी साक्षात निज मंदिर श्री गुम्बदी जागनी राज के मूल मिलाव में विराजमान है, इसलिए ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। धाम धनी बिना सुंदर साथ को लिए कभी भी वापस नहीं जा सकते हैं। याद रखिए कौन सी भेड़े चार सी भेड़े खेल देखे समझे बाता कसी जुदी जुदी विध विधि की जैसे हम सब एक साथ आए हैं और एक साथ ही हम सबको अपने घर चलना है, इसलिए हम सब वाणी का सहारा ले धनी के चरणों का। हम उनको उस वजूद से दर्शन नहीं कर पाते हैं लेकिन वो तो साक्षात दुला है, धाम धनी है, वो विराजमान है साक्षात, इसलिए दरबार में पानी सिंहासन शोभित है, निज मंदिर के अंदर में साक्षात धाम धनी जागनी राज के मूल मिलाव में जो तरहती है जो भैरा है उसके अंदर में सुंदर सिंहासन पर चंदन के डोले पर विराजमान है। बोलो श्री प्राणनाथ की बरहा में डूबे रहते हैं, उनके याद में खोए रहते हैं और पुनः करके धाम धनी हमें अपना दीदार देते रहते हैं, कभी अलग होते नहीं। ये संसार की यहाँ पर लोग ये परंपराएं जानते हैं, इसलिए जो पन्ना धाम की परंपराओं को जान जाएगा वो वाणी से कभी दूर नहीं हो सकता, वो वाणी से पृथक से कभी अलग नहीं हो सकता, जो वाणी पृथक से अलग होगा वो परंपराओं को धाम धनी की सेवा पूजा को वो नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आप सबसे ये विनती है, अभी सब लोग उपवास में बैठे हुए हैं, सब लोग पालन किए हैं, अब यहाँ से जाकर के पहले राज्य को सब लोग घोल लेकर के आएंगे, पान का गीरा लेकर के आएंगे, फिर कुछ फल आहार दे सकते हैं। कल के दिन सब पूरा दिन का पालन करते हैं, इस
सब आप जानते हैं सुंदर साहब जी, हर साल बताया जाता है, अभी हमने वो याद किया है, वो वाणी गाई हुई है। रात्रि महाराज जी हम सबको बल देवे, हमारे बीच में सिद्धार्थी महाराज जी ब्रज का स्वरूप लेके बैठे हैं, राज का स्वरूप लेके बैठे हैं, हमारे बीच में परम धाम का स्वरूप लेके बैठे हैं और चारों धाम का स्वरूप लेके बैठे हैं, चारों लीलाओं का स्वरूप लेके धाम धनी जी विराजमान है। इसलिए हम उनको कभी नहीं अलग हो सकते हैं, हमारे सदा सर्वदा साथ में रहते हैं, इसलिए उनका पूरा आशीर्वाद सबको मिलता रहता है। आप सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम। प्यारे की जय।